एक समय ऐसा था जब चीन भारत को घेरने के लिए अपने युद्धपोत अपनी सबमरीन्स हिंद महासागर में भेजता रहता था। लेकिन अभी के समय की बात करें तो भारत ने चीन को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया है कि आप हिंद महासागर तो छोड़ दीजिए, चीन साउथ चाइना सी में निकलने से भी डरेगा। जब तक चीन ने गलवान में हिमाकत नहीं की थी, तब तक पूरी दुनिया यही समझ रही थी कि चीनी पीएलए अब कुछ भी कर सकती है, और ज़्यादातर देश चीन से भय खाने लगे थे। ना कोई चीन के खिलाफ बोलता था और ना ही कोई उसके खिलाफ जाता था, क्योंकि इस समय शी जिनपिंग माओ से भी बड़ा तानाशाह बनने की सनक में दिखाई दे रहे हैं। तभी तो कोई देश चीन पर सैन्य कार्रवाई तो करने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जिस तरह एलएसी पर पिछले 160 दिनों से भारतीय सेना चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने लगी है, उसी को देखकर अब दुनिया के कई देश चीन को सबक सिखाने के लिए अपने अपने बिल से बाहर निकलने लगे हैं और चीन को चुनौतियां दे रहे हैं। यहाँ पर अब वो देश भी सामने आने लगे हैं जो बस एक बयान देकर पीछे हट जाया करते थे। जहाँ एक तरफ ताइवान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान चीन को घेर चुके हैं, वहीं अब एक ऐसे देश ने चीन की गर्दन दबोची है जो बस अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आलोचना ही किया करता था। यहाँ हम बात कर रहे हैं कनाडा की, जिसने हाल ही में चीन को अपने एक्शन से हिलाकर रख दिया है। दरअसल चीन से बढ़ते तनाव के बीच कनाडा का एक युद्धपोत इन दोनों साउथ चाइना सी में पहुंचा है, और खास बात ये रही कि ये कनाडाई युद्धपोत संवेदनशील ताइवान स्ट्रेट के माध्यम से साउथ चाइना सी में पहुंचा है। खास बात तो ये है कि ये वही इलाका है जहां चीनी सेना ताइवान को डराने के लिए युद्धाभ्यास किया करती है। यहां हम आपको बता दें कि ताइवान की खाड़ी में मौजूद कनाडा के इस युद्धपोत से चीन का भड़कना तय माना जा रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि कनाडा के एक युद्धपोत ने हाल ही में साउथ चाइना सी से उत्तर की दिशा में जाने के लिए ताइवान की खाड़ी का उपयोग किया है। इस दौरान ताइवानी नेवी ने भी उसको हवाई सुरक्षा प्रदान की है। कनाडा जैसे कमजोर देश का अपने देश से कई हजार किलोमीटर दूर स्थित ताइवान की खाड़ी में पहुंचना चीन को एक सीधा संकेत है कि चीन अब चारों तरफ से घिर चुका है। अब भारत को भी गलवान के साथ साथ ताइवान पर भी अपना फोकस रखना चाहिए, ताकि जिस तरह चीन दो फ्रंट पर भारत को घेरने की सोच रहा है, वैसे ही भारत ताइवान को अपना समर्थन देकर चीन को चारों खाने चित कर सकता है। क्योंकि अब पूरी दुनिया, यहां तक कि यूनाइटेड नेशन भी ताइवान को अपने समर्थन का संकेत दे चुका है, क्योंकि जिस तरह से अब चीन का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, अब वो दिन दूर नहीं जब कनाडा जैसा छोटा देश भी चीन को धूल चटाने के लिए काफी होगा।